हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बहुत दिन के बाद वीडियो बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त का। तो चलिए आइए शलजम गोश्त की रेसिपी देखते हैं। तो ये देखिए, हमने शलजम के पत्तों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये देखिए। और जो है ये देखिए, शलजम को भी हमने इस तरह से काट लिया है, इसको छीला नहीं है। पिंक कलर का शलजम है ये, इसको भी हमने इस तरह से काट लिया है, पत्ते भी हमने काट लिए हैं। और अब हम कुकर में, ये देखिए, हमने दो प्याज चॉप कर लिए कुकर में। हमने ये देखिए आपके सामने, थोड़ा ज़्यादा तेल नहीं है, 100 ग्राम तक तेल डाला है, 1 किलो गोश्त है। तो ये देखिए, इसमें दो बड़े प्याज हमने चॉप करके डाले हैं। अभी जब ये प्याज लाल हो जाएगा तब हम इसमें गोश्त डालेंगे। तो ये देखिए, गोश्त तो हमने काट लिया था, सॉरी, गोश्त को हमने साफ़ करके धो लिया था। और प्याज लाल होने के बाद हमने ये गोश्त तेल में डाल दिया है। अब हम इसको तेल में ही इसको हम भूनेंगे अच्छे से, जब तक इसका पानी पूरा नहीं सूख जाता है, जब तक हम इसको ऐसे ही तेल में भूनते रहेंगे। तो देखिए गाइस, गोश्त अच्छी तरह से तेल में भुन गया है, तेल अलग हो गया है गोश्त से, गोश्त अलग हो गया है। अब हम इसमें, ये देखिए, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अभी इसमें सारे मसाले डाल देंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर है। ये सारे मसाले हम इसमें डाल दिए हमने। गरम मसाला हमने इसमें नहीं डाला है, इसको हम बाद में डालेंगे पकने के बाद। तो देखिए, मसालों को हमने अच्छे से मिला लिया है। और अब हम इसी में जो शलजम और उसके पत्ते काट के रखे थे वो सब हमने धो लिए साफ़ करके छन्ने में, और इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और ये देखिए, हमने ऊपर से 1 गिलास पानी भी इसमें डाल दिया है, क्योंकि हमने मसाले को पहले से ही भून लिया था उसमें, गोश्त में, गोश्त को। और अब हमने मसाले और शलजम सारी चीज़ इसमें डाल दी है एक साथ में, और इसमें 1 गिलास पानी भी डाल दिया है। अब हम इसमें सीटी लगा लेंगे। ये देखिए, इसमें पानी शलजम ने छोड़ना चालू कर दिया है गोश्त में, तो ये सारा पानी इसमें, इसी पानी में पकेगा। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी। और इसमें हमने ढक्कन लगा दिया है, इसमें हम 5 से 6 सीटी लेंगे। ये देखिए, 5 से 6 सीटी हमने ली है इसमें। और ये देखिए, गोश्त गल गया है। और इसमें ये देखिए, जो हमने शलजम की भाजी डाली थी वो भी गल गई है। अब हमको इसको भूनना है अच्छे से, इसको हम भून रहे हैं। देखिए, ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से भून जाएगा ये। जब ये देखिए भून गया, अब हमने इसमें 1 चम्मच होममेड गरम मसाला, जो हम इस्तेमाल करते हैं घर का बना हुआ वही गरम मसाला है, इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। और हम इसको भूनेंगे। तो गाइस, ये तैयार हो गया है पूरा अच्छे से, गोश्त भी गल गया है, भाजी भी गल गई है इसमें सब। और इसमें ये देखिए, स्वाद अनुसार हमने इसमें नमक डाल दिया है। तो सर्दियों का ये शलजम बनता है सर्दियों में घरों में, शलजम गोश्त, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज हमने रोगनी रोटी के साथ इसको बनाया है, फिर हम कभी आपको रोगनी रोटी की भी डिश बताएंगे बनाना। तो देखिए गाइस, ये रोगनी रोटी हमने बनाई थी इसके लिए, और ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना, गोश्त भी गल गया है, भाजी भी गल गई है। तो दोनों चीज़ गल चुकी है और शलजम गोश्त तैयार हो गया है गाइस। अगर प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।